इन तस्वीरों में जो गहने दिख रहे हैं उन्हें बनाने के लिए सुपारी, तुलसी, बांस और ताड़ के पत्ते जैसी चीज़ों का इस्तेमाल हुआ है। ऐसे आभूषणों को सस्टेनेबल ज्वेलरी कहते हैं। भारत में इन गहनों की लोकप्रियता बढ़ रही है। कॉन्सेप्ट बहुत पहले था, लोग इसको भूल गए थे। जो बाहर के थोड़ा सा ज्यादा ग्लैमरस दुनिया में खो गए थे। ये गहने न केवल पृथ्वी के लिए बेहतर हैं, बल्कि बेरोजगारी की समस्या का एक समाधान बन रहे हैं। ओडिशा की इको दर्शनी नामक संस्था आदिवासी महिलाओं को ऐसे आभूषण बनाने का प्रशिक्षण देती है। बहुत प्रॉफिट हुआ है तो, और अच्छे से एम्प्लॉयमेंट उनको मिल गया। ऐसे देखा जाए तो मंथली 15,000 से ज़्यादा उनको घर पे बैठ के और घर के जो पास मिलता है सामान उसी को यूज़ करके मिल गया। तो उसी धीरे धीरे वो लोग बाहर जाना भी बंद कर दिए, मतलब बाहर जो आउट ऑफ स्टेट चले जाते थे काम करने के लिए वो लोग भी सब बंद कर दिए। रेलवे स्टेशनों पर स्टॉलों के माध्यम से इन स्थानीय कलाकारों को नया बाजार भी मिल रहा है। अगर गुणवत्ता, डिजाइन और मार्केटिंग का ध्यान रखा जाए तो वैकल्पिक सस्टेनेबल ज्वेलरी के लिए भारत में काफी संभावनाएं हैं।